हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है और पाइथन प्रोग्रामिंग में एक फंक्शन है इनपुट, आज उस पर डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि इनपुट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है और इनपुट भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। यहाँ प्रिंट के अंदर हमने लिख रखा है इंटर योर नेम, ठीक है, और उसके बाद नीचे एंटर करके आते हैं तो एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इनपुट फंक्शन का प्रयोग कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर केवल इनपुट लिखा हुआ है मैंने और यहाँ पर ये इनपुट फंक्शन है। अब ये यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हुआ है फिर क्लोज हुआ है, इसका मतलब कि प्रिंट सॉरी इनपुट एक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ इनपुट फंक्शन का जिक्र किया है हमने और एंटर करके जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे वापस से प्रिंट, ठीक है, यानी प्रिंट फंक्शन का यूज दोबारा से किया और यहाँ डबल डॉट कॉमा ओपन किया, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेलो हेलो लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे डबल डॉट कॉमा लगाएंगे और फिर यहाँ पर हम कॉमा लगा करके यहाँ पे लिखेंगे प्लस एक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स ही लिया हुआ है तो यहाँ पे मैंने कर दिया है प्लस एक्स, ठीक है। अब देखिए अभी आपके समझ में आएगा कि इनपुट फंक्शन का यूज क्या है। हालांकि मैंने पहले भी बताया है कि इनपुट फंक्शन क्यों यूज होता है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ये कंटेन करता है, स्ट्रिंग वैल्यू इट कैन कंटेन, यानी इनपुट फंक्शन जो है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू कंटेन करता है। तो इसको चलाने से होगा क्या, आइए चलाते हैं। फाइव प्रेस करते हैं प्रोग्राम को चलाने के लिए और यहां पर मैं इसको किसी भी नाम से सेव करूंगा, डॉट से सेव करते हैं, डॉट पी वाई लगे जाता है और यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे पूछ रहा है एंटर योर नेम, ठीक है। तो अगर मैं अपना नाम एंटर करता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हेलो भी साथ में आ रहा है, देख रहे हैं कि यहाँ पर हेलो भी साथ में आ रहा है। अब आप कहेंगे कि आखिरकार फिर इनपुट की क्यों जरूरत है, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट की जरूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको हटा देंगे तो भी नाम प्रिंट हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं इसे कमेंट कर देता हूं और फिर F5 करते हैं एंटर करते हैं तो यहाँ पर ये एरर देगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स को प्रिंट कराया है। हाँ, केवल हेलो जरूर प्रिंट हो सकता है, इंटर योर नेम प्रिंट हो जाएगा फिर केवल हेलो प्रिंट होगा अगर इसको हटा देते हैं तो, ठीक है। देखिए यहाँ पर हटा के दिखाता हूँ, इसको हटा दिया और यहाँ पर डॉट कॉमा लगा दिया तो केवल जो मैंने बताया बिल्कुल वही चीजें प्रिंट होंगी। यहाँ पे देख सकते हैं इंटर और हेलो योर नेम प्रिंट हो रहा है, तो इसका रहना जो है बहुत जरूरी है, यानी अगर जब तक आप इस तरीके से लिखोगे नहीं तब तक ये चलेगा नहीं। तो अब ये चलेगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पर एक्स नॉट डिफाइंड दे रहा है, यहाँ पे चूंकि इसे कमेंट कर रखा है इस वजह से F5 करते हैं एंटर करते हैं। तो अब आप देखिए, अब यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया राम, ठीक है, तो नेम हो गया राम तो हेलो राम करके आएगा, ठीक है। हेलो के आगे भी कुछ दे देंगे तो वो भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, जैसे हेलो माई नेम इज, ये हो गया। तो अभी अगर मैं यहाँ पे राम लिख देता हूं तो हेलो माय नेम इज राम प्रिंट हो जाएगा। तो ये इनपुट फंक्शन है, ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी।